तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। मथुरा में मीट बेचने पर आज योगी ने लगा दिया बैन, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुई आज बड़ी जीत, काबुल एयरपोर्ट को आधी रात छोड़कर भागी अमरीकी सेना, तालिबानी बोले अब हो गए हम आजाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी विधायक तमन्ना घोष टीएमसी में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जलियांवाला बाग के नवीकरण को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, बोले जो शहादत का मतलब नहीं जानते वो क्या करेंगे शहीदों का सम्मान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यमुनानगर में भाजपा के कार्यक्रम में घुसे किसान, भाजपा नेताओं ने छत से कूदकर बचाई जान, बीजेपी ने 50 किसानों पर करा दिया केस दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राधा कृष्ण बनकर ताजमहल पहुंचे हिंदू युवकों को नहीं दी गई एंट्री, राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने दी धमकी, कहा करेंगे कार्रवाई और लगाएंगे ताजमहल पर ताला। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले योगी ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, मथुरा में मीट बेचने पर लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मुसलमानों के खिलाफ बड़े कदम उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ दूसरा बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मीट बेचने पर बैन लगा दिया है और अधिकारियों को आदेश दे दिए कि पूरी तरह से इस नियम को यहां पर लागू किया जाए। अगर कोई भी मुसलमान मथुरा में मीट बेचते हुए पकड़ा जाए या खाता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उसे जेल में डाला जाए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि मीट के साथ साथ शराब की बिक्री पर भी योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बैन लगा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार नए नए विवादित कानून और विवादित नियम लागू योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिससे कि उनकी हिंदू वाली छवि उभरे और फिर हिंदू उन्हें जिता दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आपकी क्या राय है, मथुरा में मीट बैन होना चाहिए या फिर नहीं, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुई बड़ी जीत, काबुल एयरपोर्ट को छोड़कर आधी रात भागी अमरीकी सेना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ करीब 20 साल तक चली जंग में शर्मनाक हार के बाद अमरीकी सेना अब अपने देश को वापस लौट गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमरीकी सेना काबुल एयरपोर्ट पर पिछले दिनों से डटी हुई थी, लेकिन आज काबुल एयरपोर्ट को भी अमरीकी सेना ने छोड़ दिया है और रात 12 बजे सोमवार को काबुल एयरपोर्ट से अपने एक एक नागरिक और अपने एक एक सैनिकों को लेकर अमरीकी सेना वापस अमरीका चली गई है और अब अफगानिस्तान में कोई भी अमरीकी सैनिक और नागरिक इस समय मौजूद नहीं है। भाई आपको बता दें कि अमरीकी सैनिकों के जाने के बाद तालिबानियों ने जमकर जश्न मनाया है और तालिबान ने कहा है कि हमारा देश अब पूरी तरह से आजाद हो गया और हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रात 12 बजे काबुल एयरपोर्ट को भी छोड़कर अमरीकी सेना भाग गई है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने अमरीका को धमकी दी थी कि अगर 31 अगस्त से पहले पहले अमरीका ने हमारे देश को नहीं छोड़ा तो हम अमरीकी सेना पर हमला करेंगे और इसी डर से अमरीका ने 31 अगस्त की रात को ही अपने देश के सभी नागरिक और सैनिकों को वापस बुला लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका अब जो है पूर्ण रूप से अफगानिस्तान से चला गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका, विधायक तमन्ना घोष टीएमसी में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से भाजपा को आज एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बिष्टुपुर के विधायक तमन्ना घोष सोमवार को टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्टी पिट्टी सोत की राजनीति में लिप्त है। पत्रकारों से बात करते हुए घोष ने दावा किया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण वह टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि मैं सभी से पश्चिम बंगाल के कल्याण के लिए टीएमसी में शामिल होने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा को ये बड़ा झटका पश्चिम बंगाल से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यमुनानगर में भाजपा के कार्यक्रम में घुसे किसान, भाजपा नेताओं ने छत से कूदकर बचाई जान, 50 पर
करा दिया मुकदमा दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यमुनानगर में भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं को कार्यक्रम करना महंगा पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि यमुनानगर में भाजपा के कार्यक्रम में किसान घुस गए और किसानों ने खूब हुड़दंग मचाया और भाजपा नेताओं की जमकर पिटाई की है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेता किसानों से बुरी तरह से डर गए और भाजपा नेताओं ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं आपको बता दें कि जान बचाने के बाद भाजपा नेताओं ने 50 किसानों पर केस दर्ज कराया है। दरअसल आपको बता दें कि करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से किसान काफी बीजेपी से नाराज थे और इसी बीच बीजेपी ने यमुनानगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी कार्यक्रम में किसानों ने बीजेपी से बदला लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बुरी तरह से पिटे हैं भाजपा के कार्यकर्ता और नेता। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जलियांवाला बाग के नवीकरण को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, बोले जो शहादत का मतलब नहीं जानते वो शहीदों का क्या करेंगे सम्मान। चाहे दोस्तों आपको बता दें कि आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग में की गई कुरूपता के बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। अब इसी जलियांवाला बाग के नवीकरण को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि वाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र कुरूपता के खिलाफ हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया। वे उन लोगों को नहीं समझ सकते जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सहित आरएसएस के जितने भी लोग हैं उन्होंने आजादी में कोई भी योगदान नहीं दिया, लेकिन आज वह जलियांवाला बाग का नवीकरण के किस तरह से देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राधा कृष्ण बनकर ताजमहल पहुंचे युवकों को नहीं दी गई एंट्री। हिंदू परिषद ने कहा कार्रवाई करो नहीं तो लगा देंगे ताजमहल पर ताला। जी दोस्तों आपको बता दे कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सोमवार को राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को ताजमहल के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। दरअसल राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता राधा कृष्ण की वेशभूषा पहनकर ताजमहल देखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पुरातात्विक विभाग के कर्मचारियों और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद ताजमहल के पश्चिमी गेट पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और पुरातात्विक विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद परासर ने प्रशासन को धमकी देते हुए कहा है कि अब अगर प्रशासन ने ASI के कर्मचारियों के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता न केवल प्रदर्शन करेंगे बल्कि ताजमहल पर ताला भी जड़ देंगे। तो किस तरह से ये लोग जबरदस्ती ताजमहल में घुसना चाह रहे हैं, जबकि ताजमहल एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में किसी भी अन्य धर्म के लोग को नहीं घुसने दिया जाता है, तो किस तरह से ताजमहल का मजाक ये हिंदू लोग बना रहे हैं। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के रिश्ते में पड़ी दरार, पति को छोड़कर अलग रहने की प्लानिंग कर रही है शिल्पा शेट्टी। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को लेकर मीडिया में एक नई खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा अपने बच्चों के साथ पति राज कुंद्रा से अलग रहने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि शिल्पा के पति राज कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 को वॉर्न फिल्म बनाने और ऐप पर रिलीज करने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वो जुडिशियल कस्टडी में है और लगातार अपनी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस मामले से राज की पत्नी शिल्पा शेट्टी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही गहरा असर देखने को मिला। रिपोर्ट की माने तो शिल्पा के एक दोस्त ने कहा कि राज कुंद्रा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि राज के इस रहस्य के सामने आने के बाद से शिल्पा शौक में है और शिल्पा ने कहा है कि वह अब राज कुंद्रा के साथ नहीं रहेंगी और वह अलग रहने की प्लानिंग पति को छोड़कर कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के रिश्ते में दरार आ गई है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। राजस्थान में राज्य को सीएम का चेहरा बनाने की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक सोमवार को अपने प्रचार अभियान के लिए एक राज्य कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं और भाजपा नेताओं के लिए अपनी आवाज को और मुखर करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान 2023 के चुनावों के लिए उन्हें पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग के साथ इस जनवरी गठित समूह के सदस्यों का कहना है कि राजे खुद इस पहल से जुड़ी नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में भाजपा के दो गुट बन गए हैं, एक राजे समर्थक तो दूसरा बीजेपी के अन्य नेताओं के समर्थक। वहीं आपको बता दें कि वसुंधरा राजे
समर्थक कार्यकर्ता बीजेपी के कह रहे हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का जो दूसरा गुट है वह चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने, तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं राजस्थान। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब जौनपुर का नाम बदलेगी भाजपा, योगी के मंत्री ने लिखा खत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक और शहर का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। राज्य के जौनपुर जिले के केराकत भाजपा एमएलए दिनेश चौधरी ने जिले का नाम बदलकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के नाम पर रखने की मांग की है। इसके लिए एमएलए ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। चौधरी के अनुसार जिले का पुराना नाम जमदग्निपुरम था, किंतु 13वीं शताब्दी में मुगल अकारंता मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर अपने भाई जूना खान के नाम पर जौनपुर कर दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष वोट तो जो है ब्राह्मणों से मांग रहा है, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ से मांग है कि जौनपुर का नाम बदला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी फिर से एक और जिले का नाम बदलने जा रहे हैं। 2006 में के एक